ठाकुरधारकाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की जय। आर्कमा 105 स्वस्ति भूषणमती माता जी की जय। वंदो, आज मैं एक छोटा सा प्रसंग, एक मिनट के प्रसंग में आपको एक यात्रा कराना चाहूंगा कि वंदो, जब महावीर स्वामी का समोसा जा रहा था भगवान के लिए, सब लोग अष्ट दब लेकर जा रहे हैं, कोई छत लगाए हुए है, कोई चवट ढुरा रहा है, मैं क्या अपनी भूमिका उस समोसा में बना सकता हूं? वंदो, उस मेढक के पास कुछ भी नहीं था, वह एक तालाब में था, उसके पास एक फूल दिखता है उसको सामने, और वह उस फूल से एक पांखुड़ी ले लेता है और चल देता है कि आज मैं भगवान के समोसरण में जाऊंगा और भगवान के समक्ष एक पंखुड़ी चढ़ाऊंगा। और जैसे ही वह पंखुड़ी लेकर चलता है, वह एक हाथी के नीचे आ जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और वंदो वह मेढक स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। मेरे कहने का आशय यह है कि वह मेढक इतने पवित्र भावों से फूल का तिनका भगवान के समक्ष चढ़ाता है, टॉफी बोलते जिसे हम, वह देखता है कि मेरे जेब में एक टॉफी है और वह भगवान के सामने, माता जी के सामने चढ़ा देता है कि माता जी मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरे पास जो है, मेरी जो प्रिय वस्तु है, वो भी वह बच्चा दान कर देता है। उस बच्चे के मंदिर के प्रति, दान के प्रति इतने उज्जवल भाव होते हैं। तो वंदो, स्वस्ति धाम जहाजपुर में एक बृहद विशाल मंदिर जी का निर्माण हो चुका है, जिसकी पूरे देश को जिस पर आंखें टिकी तक टकी लगाए बैठे हुए है कि वह कौन सा पल होगा जब हम जहाजपुर पहुंच के उस अद्भुत पल के साक्षी बनेंगे। तो आप सभी का इस स्वस्ति धाम जहाजपुर कमेटी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है, आप सभी का आमंत्रण करती है। आप सभी 31 जनवरी से 7 जनवरी तक जो बृहद अंतरराष्ट्रीय पंचकल्याणक होने जा रहा है, और सबका हिस्सा बने, आपका आमंत्रण है। इसी के साथ मैं ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के प्रबंधक बाल ब्रह्मचारी सुकांत भैया नारेली को बुलाना चाहूंगा कि वो भी आए और अपना भाव प्रदर्शित करें। आदरणीय भैया जी, दीपादिदीप 1008 विघ्न हर श्री मुनिश्रत नाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य भगवंत गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आर्क रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की जय। सभी के लिए आने वाली 31 जनवरी विशेष हर्ष का दिवस होना चाहिए कि राजस्थान की इस मरुभूमि में भी जहाज चलाने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें सफलता मिली है माता जी को, जिसके खेवनाहार हैं दीपादिदेव विघ्नहर मुनिश्रतनाथ भगवान। 31 जनवरी से 7 फरवरी 2020 में महामहोत्सव, महामेला, महायोजन, जो भी कहना चाहें आप, इस दिन होगा विशेष महामहोत्सव 7-8 दिनों का। आप सादर आमंत्रित हैं इस भूमि पर दीपादिदेव विघ्नहर मुनिश्रतनाथ भगवान के महापंचकालक महामहोत्सव पर। सभी से मेरा अनुरोध है, भारत नहीं, विश्व में भी जहाँ जहाँ हमारे भाई निवास करते हैं, माता बहनें सबको यहाँ आमंत्रित करते हैं कि 31 जनवरी से 7 फरवरी 2020 तक के महामहोत्सव में आप सादर आमंत्रित हैं। इन 5 वर्षों में माता जी के अथक प्रयास से, पूरी लगन के साथ और समाज के द्वारा भी माता जी के कंधे से कंधे मिला के काम किया, दान दातारों का भी बहुत हार्दिक स्वागत है जिन्होंने इसे भव्य क्षेत्र का निर्माण करने में सहयोग दिया, सभी का साधुवाद है। जहाज मंदिर निश्चित ही भारतवर्ष में नहीं दुनिया में प्रथम मंदिर होगा जो जहाज के रूप में है। भगवान खेवनहार है ये दर्शाने के लिए जहाजपुर में ही जहाज मंदिर बना, ये एक अलौकिक घटना हो रही है। ऐसे मुनिश्रतनाथ भगवान जो कि निश्चित अद्वितीय हैं, इनकी सौम्यता, इनकी मूरत देख करके ही हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारा मन गदगद हो जाता है कि इनके चरणों में बैठ करके नतमस्तक हो जाएं और अपने पापों का प्रक्षालन करें, पुण्य का वर्धन करें। ऐसे मुनिश्रतनाथ भगवान के चरणों में मुझे लगातार आने का मौका मिलता रहता है और माता जी का सानिध्य भी हमेशा प्राप्त होता रहता है। निश्चित आर्या माता जी बहुत विदुषी हैं, इन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से समस्त जैन दर्शन के हर विषय को पकड़ करके उन्होंने उस पर लेखनी चलाई है और लोगों को उससे लाभान्वित किया है। आप सभी को सादर आमंत्रित करते मुझे हर्ष हो रहा है। लोग सोचते होंगे कि सुकांत भैया मात्र ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली के नहीं, मेरे सभी क्षेत्र भारतवर्ष के मैं अपने ही मानता हूं और सभी क्षेत्र पर मैं अपनी उपस्थिति दे करके हमेशा भगवान के चरणों में अपना नमन करता हूँ। निश्चित है मुझे भी सौभाग्य मिलेगा शायद माता जी के सानिध्य में उस कार्यक्रम में
सहभागिता प्राप्त करने का। और पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, जो कि बहुत सरल और सच्चे साधु हैं, बहुत ज्ञानी हैं, और अपने तपस्या के माध्यम से निश्चित उन्होंने काफ़ी लोगों को प्रभावित किया है। ऐसे परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में, सानिध्य की स्वीकृति मिल गई है, निश्चित है दो दो आचार्यों के सानिध्य में एक विशेष महामहोत्सव होगा। आप सब जरूर आएँ, आप सबका हार्दिक स्वागत है। निश्चित ही है आप सबका यह स्थान है और आप सबको आना ही चाहिए। इन्हीं भावनाओं से मैं माता जी के चरणों में वंदामी करते हुए भगवान के चरणों में नतमस्तक होती है ये भाव करता हूँ कि आने वाली 30 जनवरी से 7 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम, महत्व बादल होने का नहीं होता, महत्व उनके बरसने का होता है। महत्व बाग में फूल हो गए उसका नहीं, उसकी खुशबू का होता है। महत्व जन्म लेने का नहीं, उस जन्म को हमने कितना उपयोगी किया, उस जन्म में हमने क्या उपयोगिता हासिल की, क्या कुछ अच्छे कार्य किए, उसका महत्व होता है। इन सभी बातों को अगर यहाँ जानना हो तो इन सब बातों का परम विदुषी लेखी कारिका शिरोमणि गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी की। गुरु महान होते हैं तभी महानता बताते हैं, गुरु मंजिल है तभी तो राह दिखाते हैं, गुरु का नाम ही संसार में सहारा है, गुरु एक नाविक है जो भव से पार लगाते हैं, गुरु एक नाविक है जो भव से पार लगाते हैं, और वही भव से पार कराने के लिए पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी ने इस जहाज रूपी मंदिर का निर्माण यहाँ जहाजपुर में कराया है। बड़े ही हर्ष की बात है कि 1008 अतिशयकारी श्री मुनि सूर्यनाथ भगवान का पंचकल्याणिक प्रतिष्ठा महामहोत्सव 31 जनवरी से 7 फरवरी तक होने जा रहा है। मात्र 5 वर्ष के अल्प समय में अपनी ख्यातियों को प्राप्त करता हुआ यह क्षेत्र, ऊंचाइयों को प्रदान करता हुआ यह अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम, जो एक महाविशाल रूप ले चुका है, जिसके होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का सभी भक्त आतुर होकर इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दिन आए कि हम भी स्वस्ति धाम जहाजपुर पहुँचें, जिसकी तैयारियाँ बड़ी जोर शोर से चल रही हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले भी यहाँ एक बैठक हुई जिसमें ये बताया गया कि कितना लंबा जुलूस होगा, कितने लोग उपस्थित होंगे, जन कल्याणक कैसा होगा, उसका जुलूस कैसा होगा, जिसमें उस बैठक में बहुत दूर दूर से कोटा, बारा, दिल्ली, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, दूर दूर से भक्तगण उपस्थित हुए और सबने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ये संकल्प लिया कि हम आगे से आगे होकर बहुत सारा काम करेंगे, जो भी हमसे होगा वो करेंगे। और इन सब के अंदर उत्साह उत्पन्न कराने वाली और इस क्षेत्र को मूर्त रूप प्रदान करने वाली परम विदुषी लेखिका आर्य का माँ 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी, जिनके पदार्पण से अचेतन भी चेतन बन जाया करता है। और इतने वर्ष से यह जो भूमि जहाँ ये मंदिर बना हुआ है, जहाँ इस मंदिर का निर्माण पूज्य माता जी ने करवाया है, जो कभी एक खेत हुआ करती थी, वो भी आज इतने बड़े विशाल प्रांगण के रूप में, इतने बड़े विशाल जहाज मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गई। ये सब पूज्य माता जी की ही देन है। पूज्य माता जी ने अपने यहाँ समय देकर जो जैन समाज के ऊपर एक उपकार किया है, वो निश्चित ही एक श्रेष्ठ कार्य है। इस जहाज मंदिर में विराजमान होंगे 1000 अतिशयकारी श्री मुनि सूर्यनाथ भगवान, और जिनके सानिध्य में पूज्य माता जी, जिनके सानिध्य में होगा इस मंदिर का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, और परम पूज्य आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज, जो कि आज निवाई में हैं, वो भी विहार करते हुए दिल्ली से यहाँ 20 तारीख तक पहुँचने वाले हैं, और हजारों लाखों लोगों की उपस्थिति में ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न होगा। आप सब भी इसके साक्षात दर्शन करें, उसके साक्षी बने, और यहाँ आकर उस समय को सार्थक करें जो शायद ही आपने जीवन में कभी देखा होगा।
निश्चित ही यह समय आपके लिए एक अभूतपूर्व समय होगा, जिसका आनंद आप सभी यहाँ आकर अवश्य ले। इन्हीं भावों के साथ बोलिए परम विदुषी लेखिका आरिका शिरोमणि गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी की। जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि क्या कहलाता है पंच कल्याणा, कैसे बनते हैं भगवान, कैसे संत से सिद्धत्व की ओर, कैसे पति से पावन। इन सब अगर प्रश्नों के जवाब आपको चाहिए हो तो यहाँ प्रक्रिया के माध्यम से कि भगवान कैसे बना जाता है, क्या होता है जन्म कल्याणा, कैसे जन्म को सार्थक किया जाता है और कौन बनते हैं भगवान, इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ साक्षात देखने को मिलेगा। अगर आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर देखना हो तो यह अतिशयकारी और अंतर्राष्ट्रीय भव्य पंचकल्याणक महोत्सव के आप भी सहयोगी बने, यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इन्हीं भावना के साथ आरिका माँ के चरणों में वंदना भी निवेदित करते हुए आग्रह करूंगा कि माता जी अपने उपदेशामृत से हम सबको कृतार्थ करें। बोलिए भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए विश्ववर्णी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव धर्म स्नेही बंधु, शिक्षा और ज्ञान, ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। किसकी शिक्षा दी जाती है? ज्ञान प्राप्त करने की। ज्ञान कितनी तरह का है? विद्या कितनी तरह की है? पेट भरनी, भाव तरनी और जल तरनी, है ना? तो दो तरह की शिक्षा संसार में ज़्यादा प्रसिद्ध है, एक पेट भरनी शिक्षा और एक भावतरणी का तो शायद नाम आप लोग कम जानते होंगे। पेट भरनी वाली शिक्षा आप जानते हैं? स्कूल पढ़ने जाते हैं, क्यों जाते हैं? पढ़ना लिखना क्यों सीखते हैं? कॉलेज पढ़ने क्यों जाते हो? माता पिता बच्चों से कहते हैं अरे पढ़ लो, अनपढ़ रह जाओगे तो ज़िंदगी कटना मुश्किल हो जाएगी, पढ़ लो अच्छे से भविष्य बन जाएगा तुम्हारा, ज़िंदगी बन जाएगी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हैं, तो ये है पेट भरनी विद्या। कौन सी विद्या? पेट भरनी विद्या। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, तरह तरह से ना जाने कितनी तरह से शिक्षाएं दी जा रही हैं, मगर शिक्षा के साथ में संस्कार कमज़ोर होते जा रहे हैं। और दूसरी शिक्षा है भावतरणी, उसके लिए होते हैं देव, शास्त्र और गुरु। कहाँ कहाँ से मिलती है ये शिक्षा? देव, शास्त्र, गुरु से। इतने सारे मंदिर बनाए जा रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं? शिक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं। समो शरण में साक्षात भगवान जब विराजमान होते हैं तो भगवान तो गंध कुटी में ऊपर होते हैं विराजमान, और उसके बाद भी जो सात भूमियां होती हैं उनमें भी मंदिर होते हैं, जबकि साक्षात तीर्थंकर विराजमान हैं समोशरण में। उसके बाद भी जो सात भूमियां जो और होती हैं, आठ आठ भूमि का होता ना समोशरण, तो उनमें जो सात भूमियां होती उनमें भी प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, बड़े बड़े चित्र लगे होते हैं मंदिर में, जो चित्र बने होते हैं, चित्र बनाने की जो परंपरा है वो कहाँ से शुरू हुई है? समोशरण से। समोशरण में जो मंदिर बने होते हैं उनकी दीवालों पर सम्मे शिखर के, कल्याणक के, पंच कल्याणक के, अन्य तीर्थंकरों के और सब चित्र बने होते हैं, और वही चीज फिर यहाँ हमने मंदिर बनाया, इसको हमने प्रतीक माना, भगवान के पंच कल्याणक किए और उनके चित्र यहाँ दीवालों पर भी बनाए कि कम से कम कभी आने वाले समय में कोई स्वाध्याय ना करे, कोई उपदेश ना भी सुन पाए, और वो यदि मंदिर आएगा तो कम से कम चित्रों के माध्यम से तो समझ ही जाएगा। अभी भैया ने बताया था कि मेढक जो था वो पंखुड़ी लेकर के भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था, एक मेंढक, मनुष्य नहीं,
हाँ, उस मेंढक की एक पंखुड़ी में उसे इतना पुण्य मिलेगा जितना एक सोने चांदी की थाली में और रत्नों के अष्टद्रव्य से पूजा करने में मिलता है। एक पंखुड़ी में उस मेंढक को उतना मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि जिसके पास क्षमता कम है फिर भी वो काम कर रहा है, और जिसके पास क्षमता ज्यादा है फिर वो कर रहा है, तो दोनों में अंतर तो होता ही है। तो इस तरह से भगवान का समोशरण और मंदिर, मंदिर समोशरण का प्रतीक है। पंच कल्याणक से प्रतिष्ठित प्रतिमाएं इसमें विराजमान की जाती है। मंदिर की आवश्यकता क्यों है? यदि पेट भरनी विद्या के लिए मंदिर की आवश्यकता है तो भाव तरने के लिए मंदिर की आवश्यकता है। यदि स्कूल की आवश्यकता है तो मंदिर की भी आवश्यकता है। भाई स्कूल ने तो सिखा दिया भाई कैसे अक्षर पढ़े जाते हैं, इंजीनियर कैसे बना जाता है, डॉक्टर कैसे बना जाता है। अच्छा चलो 4 घंटे कर लो, उन 4 घंटों में आपको किसी को याद नहीं करना है। उन 4 घंटों में देव शास्त्र गुरु के प्रति, स्वाध्याय के प्रति, ज्ञान का, आत्मा का, जो भी काम करना धर्म के, कम से कम दिन में 4 घंटे तो। हाँ, ये मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि गृहस्थी एक ऐसी चीज है कि तुम सोचो कि नहीं नहीं हम तो घर में ही कर लेंगे, हमने तो घर में मंदिर बना लिया, नहीं कर सकते, मन लगेगा ही नहीं तुम्हारा, अपने आप ही कहीं रसोई में भागोगे, कहीं टीवी के पास भागोगे।